Hi everyone, I'm Neha Singh and I welcome you all in my YouTube channel Math Concepts and Practice. This is the part 5 of chapter number 3, Playing with Numbers. So, last part mein hum logon ne prime numbers, composite numbers, even number and odd numbers ko discuss kiya tha. Aaj is video mein exercise 3.2 ke question 1, 2, 3, 4, 5 and 6 hum solve karenge, jinke liye वही सारे कॉन्सेप्ट हमें चाहिए होंगे. अगर आपसे वो वीडियो मिस हो गया है, आपको क्लियर नहीं है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, तो आप लास्ट वीडियो को चेक कर सकते हैं. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ओके, सो उनको यूज करके हम एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन. क्वेश्चन 1 इज, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ए पार्ट ऑड नंबर्स, बी पार्ट इवन नंबर्स. तो ये क्या कह रहे हैं कि दो ऑड नंबर्स का सम कितना होगा और दो इवन नंबर्स का सम कितना होगा. तो अगर मैं ए पार्ट की बात करूं, ए पार्ट, ठीक है, तो मैंने क्या ले लिया, लेट टू ऑड नंबर्स. ओके, सबसे पहले मैंने क्या लिया ए पार्ट के लिए, लेट टू ऑड नंबर्स बी. कौन कौन से ले लिए, मैंने ले लिया 3 ले लिया एंड 5 ले लिया. ओके, जरा इनको ऐड करके देख लेते हैं. सो क्या आएगा, सम ऑफ सम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 प्लस 5 विच इज 8. और 8 कैसा नंबर है, इवन नंबर. ओके, 8 कैसा नंबर है, इवन, यानी कि दो ऑड नंबर्स को ऐड करके हमें क्या मिला, एक इवन नंबर, राइट. इस तरीके से कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं. कोई और दो आप ले लीजिए ऑड नंबर्स, सपोज मैं ले लेती हूँ, इसको कह देंगे हम सम 2, यानी कि दूसरा पेयर ले लिया हमने, हम ले लेते हैं 11 और 13. क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 24 और ये अगेन इवन है. यानी कि हम कोई भी दो ऑड नंबर्स ले लें और उनका सम अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, एक इवन नंबर मिलेगा. इसी तरीके से हम बी पार्ट सॉल्व कर सकते हैं. बी पार्ट में अगर हम ले लें दो नंबर्स, लेट टू इवन नंबर्स बी, लेट टू इवन नंबर्स बी, कौन कौन से ले लिए, मैंने ले लिया 2 एंड 6. ओके, आप कोई से भी ले लीजिए जो आपको पसंद हो. तो इनका जब सम कैलकुलेट किया, सम 1 कितना आया, 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 8 विच इज अगेन इवन, राइट. और इसी तरीके से अगर सम 2 की बात करें, दो और कोई नंबर ले लें, सपोज मैंने ले लिया 12 और 16, राइट, इनको जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 28 विच इज अगेन इवन. तो हम कह सकते हैं कि जब भी हम दो और नंबर्स को ऐड करेंगे या दो इवन नंबर्स को ऐड करेंगे, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा. ओके, सो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 1. Now, question number 2. Question 2 is, state whether the following statements are true or false. Okay. So, first statement hai, the sum of 3 odd numbers is even. Okay. So, is tarike ki problems ke liye hum kya karte hain, basically example le lete hain. Ek example, do example. Aur usko apply karte hain, us statement ko. Aur jo result nikalta hai, usse hum find out karte hain cheezein. To jaise फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए मैं 3 नंबर्स ले लेती हूँ, 3 ऑड नंबर्स, सपोज 3 प्लस 5 प्लस 7, ये तीनों ऑड हैं. जब इनको ऐड करेंगे हम तो रिजल्ट क्या आएगा, 5 प्लस 3 8 प्लस 7 15, जो कि एक ऑड नंबर है. क्या है ये, ऑड नंबर. इसलिए क्या होगा, ये स्टेटमेंट ए जो है वो फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि इसने कहा है कि तीनों का सम क्या होगा, इवन होगा, जबकि 3 ऑड नंबर्स का जो सम है वो क्या आ रहा है हमारे पास, एक ऑड नंबर आ रहा है, राइट. आप 3, 5, 7 के अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन ले लीजिए ऑड नंबर्स का, हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, एक ऑड नंबर आएगा, राइट. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स. नाउ बी स्टेटमेंट, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन. ओके, 2 ऑड नंबर ले लीजिए, 3 प्लस 5, और उसके साथ एक इवन नंबर ले लीजिए, मान लीजिए मैंने 6 ले लिया, क्या आएगा रिजल्ट, 3 प्लस 5 इज 8, 8 प्लस 6 इज 14. अब ये ठीक है, यानी कि दो ऑड नंबर लिए
और तीसरा हमने क्या ले लिया, तीसरा हमने ले लिया इवन, इन तीनों को ऐड किया, रिजल्ट क्या आ रहा है, इवन। ओके, इस तरीके से आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले लीजिए, दो ऑड नंबर्स और एक इवन नंबर का, हमेशा रिजल्ट इवन आएगा, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू। राइट, सी पार्ट, सी क्या कह रहा है स्टेटमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री ऑड नंबर्स इज ऑड। ओके, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन, थ्री फाइव जा 15 इंटू सेवन कितना हुआ, सेवन फाइव जा 35, थ्री सेवन वन जा 7 और थ्री 10, यानी कि रिजल्ट आया एक ऑड नंबर आया। ऑड नंबर क्यों, क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 5 है। ओके, तो जब भी हम थ्री ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उनका प्रोडक्ट लेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा, ऑड ही आएगा। ये स्टेटमेंट हो गई ट्रू। ओके, सो ये जस्ट मैं एक एक एग्जाम्पल लेके देख रही हूँ, और आप चाहो तो इनके और एग्जाम्पल्स भी ले सकते हो नंबर्स के, और आप चेक कर सकते हो इन स्टेटमेंट्स को। राइट, बी, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, द क्वोशेंट इज ऑलवेज ऑड। ओके, ये चेक कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे 6 की, ओके, 6 को हमने 2 से डिवाइड किया तो क्या मिला, 2 3 6, रिमाइंडर 0 आ गया। ओके, तो ये तो 3 जो क्वोशेंट है ये तो ऑड हो गया, लेकिन अगर मैं 8 को डिवाइड करूंगी, 8 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आया, 2 4 8। ओके, और क्वोशेंट क्या हो गया, ये इवन, ये तो हो गया इवन, ये हो गया ऑड, यानी कि हर केस में तो हमें ऑड नहीं मिल रहा। तो हम क्या कहेंगे, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, द क्वोशेंट इज ऑलवेज ऑड। नो, इट इज नॉट ऑलवेज ऑड, कभी ये ऑड भी हो सकता है और कभी ये इवन भी हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। राइट, All prime numbers are odd. Okay? E part. All prime numbers are odd. Two के अलावा जितने हैं वो तो सब odd हैं, but एक जो 2 है ना वो even prime है. Okay? So this is false. Okay? F part. Prime numbers do not have any factors. Prime numbers do not have any factors. Prime numbers की definition ही हमें factors से मिली है. कि उसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। कौन कौन से फैक्टर होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। राइट, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई कि प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स हैव फैक्टर्स, बट ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। राइट, नाउ नेक्स्ट पार्ट, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। ओके, अच्छा, अगर ये जो 2 प्राइम है इनमें से 2 नहीं है, सपोज मैं ले लूं 5 और 7, इनको ऐड किया तो ये तो 12 आ गया। तो इस तरीके से कोई भी 2 प्राइम लिए उनका सम हमेशा इवन आ रहा है, लेकिन अगर हम 2 ले लें, 2 प्लस 5 करेंगे तब क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, 7। यानी कि अगर उन दोनों प्राइम नंबर्स में से एक 2 होगा तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। इसलिए जी पार्ट जो है, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, नो, क्योंकि अगर उन नंबर्स में से एक प्राइम नंबर 2 है तो वो रिजल्ट क्या देगा, ऑड, इसलिए ये भी फॉल्स हो जाएगा। राइट, एच पार्ट, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये तो सही है, इसके अलावा और कोई प्राइम नंबर इवन नहीं होता। ओके, दिस इज ट्रू, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। आई, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, नो, ये भी फॉल्स हो गया। ये सब किसकी वजह से हो रहा है, केवल एक 2 की वजह से, क्योंकि 2 इवन तो है, 2 इवन तो है लेकिन कंपोजिट नहीं है, ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। राइट, इसके अलावा जो इवन नंबर्स हैं वो सारे कंपोजिट नंबर्स हैं, बट एक जो ये 2 है ये इवन भी है और प्राइम भी है, इसलिए ऑल इवन नंबर्स आर नॉट कंपोजिट नंबर्स। ओके, उनमें से 1 नंबर जो है, जो 2 है, वो क्या है, एक प्राइम नंबर्स, इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाती है, फॉल्स। राइट, जे पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। ओके, इसको ट्राई कर लेते हैं, 2 into 4 is equals to 8, 6 into 8 is equals to 48, okay,
और हम करें 10 × 12 = 120, यानी कि सबकी वंस प्लेस पे हमें क्या मिल रहा है, एक इवन डिजिट मिल रही है, यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से डिजिट्स मिल रही है। इसलिए जब भी हम दो इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो हमेशा क्या आ रहा है, एक इवन नंबर। तो ये स्टेटमेंट हो गई ट्रू, राइट। सो इस तरीके से हम ट्रू और फॉल्स चेक कर सकते हैं गिवन स्टेटमेंट्स के लिए। सो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज द नंबर्स 13 and 31 आर प्राइम नंबर्स। Both these numbers have same digits 1 and 3. Find such pairs of prime numbers up to 100. Okay, so क्या कह रहे हैं? इन्होंने हमें दो numbers दिए हैं, 13 and 31. ये क्या है? पहली बात तो ये prime numbers हैं दोनों, और दूसरी बात कि इन दोनों की जो digits हैं वो same हैं, 1 और 3 digits हैं इनमें। Difference सिर्फ इतना है कि 13 में जो 3 है वो वंस प्लेस पे है, राइट, और 1 जो है वो टेंस प्लेस पे है। बट 31 में अब 1 क्या हुआ, अब वंस प्लेस पे आ गया, और जो 3 है वो टेंस प्लेस पे हो गया। यानी कि इन्होंने क्या किया, दोनों नंबर्स की डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया, जगह बदल दी उनकी। अदरवाइज डिजिट्स दोनों सेम है और ये प्राइम नंबर्स भी है। So both these numbers have same digits 1 and 3. Find such pairs of prime numbers up to 100. तो हमें इसी तरीके के कुछ pairs ढूंढने हैं जो prime भी हो और जिनमें digits भी same हो, और कहाँ तक ढूंढने हैं हमें, up to 100. तो हम एक काम करते हैं, अपने sieve of Eratosthenes की थोड़ी सी help ले लेते हैं, okay? So इसमें क्या है, ये वाला तो हमें मिल गया जो हमें given है। कौन सा given है हमें? हमें गिवन है 31 and 13, राइट, ये वाला तो गिवन है हमें, इसको हम मिला देते हैं। अब इस तरीके के कौन से दो ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जो जिनमें सेम डिजिट्स हैं, ओके। सो इसको चेक करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो मैंने येलो कलर में नंबर्स मार्क किए हुए हैं वो सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स, राइट, सब प्राइम नंबर्स हैं। तो हम केवल उन्हीं पर फोकस कर सकते हैं प्राइम नंबर्स पे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ, 13 के बाद क्या आता है, 17, ओके। 17 का अपोजिट क्या है, 71, मतलब डिजिट्स को अगर चेंज कर दिया जाएगा तो नंबर क्या बनेगा, 71। क्या 71 प्राइम है? वाओ, 71 इज प्राइम, ओके, एंड 17 इज आल्सो प्राइम। तो एक पेयर तो हमें यहाँ से मिल गया, राइट, ओके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर पे, 19। 19 तो प्राइम है, लेकिन अगर इसकी डिजिट्स को बदल दे, 91 कर दे, तो क्या ये प्राइम है? ये प्राइम नहीं है। 23 की बात करूं, 23 की डिजिट्स अगर चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, 32। 32 प्राइम नहीं है, राइट। अब इसके बाद 29 की बात की जाए, 92 बनेगा, 92 भी प्राइम नहीं है। 37 की अगर डिजिट्स को हम चेंज करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, 73, ये वाला 73, यानी कि ये भी प्राइम है और ये 37 भी प्राइम है। तो एक और पेयर मिल गया हमें, राइट। इसके बाद हम जाएंगे कहाँ पे, 41 पे। 41 तो प्राइम है, लेकिन 14 प्राइम नहीं होगा, ठीक है जी। 43 प्राइम है, लेकिन 34 प्राइम नहीं होगा। 47 प्राइम है, बट 74 प्राइम नहीं है। इसी तरीके से 53 तो प्राइम है, लेकिन 35 डिजिट्स को बदलने के बाद जो नंबर मिलेगा वो प्राइम नहीं है। 59 प्राइम है, बट डिजिट्स बदलने के बाद जो नंबर मिलेगा 95, वो प्राइम नहीं है, ओके। इसी तरीके से 61 का 16 प्राइम नहीं है। 67 के लिए 76 प्राइम नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 79। 79 का अपोजिट क्या होगा, डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद कौन सा नंबर मिलेगा, 97। अब ये प्राइम है, 97 और 79, एक ऐसा पेयर मिल गया जिनकी डिजिट्स तो सेम है और जब डिजिट्स को चेंज करते हैं तो नंबर बदल जाते हैं, ओके। 79 की डिजिट्स को चेंज किया तो क्या बन गया, 97, और ये दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर्स। तो इस तरीके से अप टू 100, इसके बाद तो हमें चेक ही नहीं करना क्योंकि हमारा क्वेश्चन अप टू 100 मांग रहा है, ओके।
सो इसके बाद हम चेक नहीं करेंगे और 100 तक हमें कितने पेयर्स मिल गए, एक तो इन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन में, इनके अलावा हमें कौन से पेयर मिले, एक ये वाला पेयर, एक ये वाला और एक ये वाला। तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे और लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। ओके, पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स इज इक्वल्स टू, कौन कौन से पेयर्स हो जाएंगे, पहले तो था 17, 71, ओके, और दूसरा क्या था हमारे पास, 37, 73, राइट, और तीसरा पेयर क्या मिला था हमें, 79 एंड 97, ओके, 97, ये तीन पेयर्स हमें मिल गए, कौन कौन से, 17, 71, 37, 73, 79, 97, ओके। सो ये कौन से वाले पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हैं, दीज आर दी रिक्वायर्ड पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। तो आंसर हमने क्या लिख दिया, आंसर क्या लिख दिया, 17, 71, ओके, और 37, 73, और तीसरा पेयर क्या है, 79, 97, राइट। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। ओके, तो सबसे पहले तो हम इसको देख लेते हैं, ये कौन से नंबर्स की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं लेस देन 20, जो 20 से छोटे हैं। तो सबसे पहले इसकी एक लिस्ट बना लें, 20 से छोटे कौन कौन से नंबर्स हैं, तो लिस्ट बना लेते हैं, नंबर्स लेस देन 20, नंबर्स लेस देन 20 इज इक्वल्स टू, कौन कौन से हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, सारे नंबर्स की लिस्ट बना लेंगे हम। ओके, तो जिससे हमारी जो फाइंडिंग प्रोसेस है वो इजी हो जाएगी, कि हम उसमें किस तरीके से प्राइम और कंपोजिट नंबर्स फाइंड करेंगे, राइट। तो ये तो पहले हमने लिस्ट बना ली, अब मैंने 19 तक की लिस्ट क्यों रखी है, क्योंकि इन्होंने कहा है लेस देन 20, तो 20 तो हमें चाहिए नहीं, 20 से जस्ट छोटा 19 है, तो मैंने 1 से लेकर 19 को लिस्ट कर लिया। अब हमसे क्या पूछा है, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। तो सबसे पहले प्राइम नंबर्स की लिस्ट बना लेते हैं, प्राइम नंबर्स, इस लिस्ट में प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं पहले। प्राइम नंबर्स हम जानते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनको केवल दो ही फैक्टर डिवाइड करते हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद, यानी कि सबसे पहला प्राइम कौन सा हो गया, 2, ओके, फिर कौन सा हो गया, 3, राइट, उसके बाद 4 प्राइम नहीं है, ये कंपोजिट है क्योंकि इसके 3 फैक्टर्स हमें मिलते हैं, 1, 2 एंड 4। अब 5 पे आ जाते हैं, इसके 2 ही फैक्टर हैं इसलिए ये प्राइम है, 7 भी प्राइम है, 8 और 9 प्राइम नहीं है, 10 भी प्राइम नहीं है, 11 प्राइम है, राइट। ये सब हम डेफिनेशन में कर चुके हैं कि ये नंबर्स क्यों प्राइम हैं, क्योंकि इनके 2 ही फैक्टर्स हैं। 13 भी प्राइम है, इसके बाद 14, 15, 16, इनके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, 17 प्राइम है और 19 प्राइम है, राइट। तो इन सबको लिस्ट कर लेते हैं, प्राइम नंबर्स कौन से मिले हमें लेस देन 20 नंबर्स में, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19, राइट, ये तो प्राइम नंबर्स मिल गए। और एक इंपॉर्टेंट चीज हमने डिस्कस की थी, वो क्या, कि 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, तो उसको तो हम दोनों लिस्ट में नहीं लिखेंगे। अब दूसरी लिस्ट किसकी बनानी है हमें, कंपोजिट नंबर्स की। तो 1 के अलावा जो नंबर प्राइम नहीं है, कंपोजिट नंबर्स, ओके, 1 के अलावा जो नंबर्स प्राइम नहीं है वो सब क्या हो जाएंगे, कंपोजिट, क्योंकि उनके हमें 2 से ज्यादा फैक्टर्स मिलेंगे, जिसमें आएगा 4, फिर आएगा 6,
फिर आ जाएगा एट, राइट, फिर आ जाएगा नाइन, उसके बाद टेन, फिर ट्वेल्व, ओके, ट्वेल्व के बाद कौन सा आएगा, फोर्टीन आ जाएगा, फिर फिफ्टीन आ जाएगा, फिर सिक्सटीन आ जाएगा, और लास्ट में क्या बचेगा हमारे पास, एट्टीन, ओके, ये सारे क्या है, कॉम्पोजिट नंबर्स, जो कि प्राइम नहीं है। तो इस तरीके से हम एक गिवन लिस्ट में चेक कर सकते हैं कि कौन से नंबर्स प्राइम हैं और कौन से नंबर कंपोजिट हैं। जिनके दो फैक्टर्स होते हैं केवल वो प्राइम नंबर्स होते हैं, और जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स। तो इस तरीके से हमने अपनी लिस्ट बना ली। ओके, सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10? ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, इसमें भी लिस्ट कर लेते हैं नंबर्स को बिटवीन 1 एंड 10, राइट। तो बिटवीन का मतलब क्या होता है कि 1 और 10 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इनके बीच में जो नंबर्स हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले लिस्ट कर लेते हैं नंबर्स को, नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10, राइट, कितने हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू 2, 3, 4, 5। बिटवीन के लिए हम 1 और 10 इंक्लूड नहीं करेंगे, 6, 7, 8 एंड 9, राइट, इतने ही नंबर्स बनेंगे। इसके बाद आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर। ओके, प्राइम नंबर्स भी चाहिए और ग्रेटेस्ट भी चाहिए। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, इसमें प्राइम नंबर होगा 2, ओके, 3, फिर 5, ओके, और फिर क्या होगा, 7, राइट, और 8 और 9 कंपोजिट हैं, क्योंकि इनके दो से ज्यादा फैक्टर्स हमें मिलते हैं, इसलिए ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या हो गया, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10 इज इक्वल टू कौन सा हो जाएगा, हम क्लियरली देख सकते हैं, चार नंबर हैं 2, 3, 5, 7, इनमें 7 बड़ा है, इसलिए 7 हो गया ग्रेटेस्ट। आंसर क्या निकल गया हमारा, 7, राइट। तो इस तरीके से हम इनिशियली लिस्ट बना के हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और जब हमें थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है तो ये जो लिस्ट है हम ये माइंड में बना के भी डायरेक्टली यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10 इज इक्वल्स टू 7, राइट। तो इस तरीके से हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 6। ओके, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। ठीक है, तो अब हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, इनको 2 ऑड प्राइम्स के सम के फॉर्म में इसे लिखना है। जैसे अगर मैं 44 की बात करूं, 44 की अगर मैं बात करूं, तो अगर रैंडमली 2 ऑड प्राइम्स देख लें, अब हमें प्राइम भी पता है, ऑड नंबर भी पता है, ओके, और उनका एडिशन कैसे करते हैं वो भी पता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि रैंडमली कोई भी 2 ऑड प्राइम्स चूज कर लें, और ऐसे चूज करें जिनका सम क्या हो, 44। जैसे मेरे पास कई सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं, अगर मैं बात करूं 31 और 13 कितना होता है, 4, यानी कि एक कॉम्बिनेशन तो ये बन गया 31 और 13। दूसरा कॉम्बिनेशन ये भी बना सकते हैं 37, राइट, 7 और 7, 14, 1 carry over, 44, ये भी दो नंबर मिल गए ऐसे, ऑड प्राइम्स हैं, ये दोनों ही प्राइम्स हैं, ऑड भी हैं, और इनका सम क्या मिल रहा है, 44। और देख लेते हैं, और दूसरा क्या मिलेगा, 41 and 3, राइट, 3 plus 1, 4, एंड 4। तो इस तरीके से, इस तरीके की प्रॉब्लम्स के लिए हमें कई सारे कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे ऑड प्राइम्स के, जिनको ऐड करके हम सम फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो एक रैंडम मेथड है, मुझे क्या इजी लगता है मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। आंसर तो आपको निकल गया, आप किसी भी एक कॉम्बिनेशन को लिख दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा, बट मुझे जो इजी लगता है, मैं क्या फाइंड करती हूँ, किस तरीके से इसको निकालती हूँ, कि सबसे पहले मैं जाऊंगी 44 के पास, राइट, 44 से जस्ट छोटा प्राइम नंबर कौन सा है,
44 से जस्ट छोटा प्राइम नंबर है 43, राइट? 43 छोटा है, इसमें मैं क्या ऐड करूं कि 44 मिले, प्लस 1 करना पड़ेगा मुझे, ठीक है? और 44 तो मिल जाएगा, लेकिन ये 1 क्या है, ये प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन हम नहीं लेंगे। इसके बाद हम 43 से छोटा प्राइम नंबर देखते हैं। 43 से छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 41, ओके? अब इसमें मैं क्या ऐड करूं कि मुझे 44 मिल जाए, इसमें मैं 3 ऐड कर दूं तो मुझे 44 मिल जाएगा, राइट? सो अब मुझे अपनी प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया, ओके? सेकंड स्टेप में ही मिल गया। ये 41 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, ओके? और दोनों क्या है, ऑड नंबर्स हैं, और दोनों का सम क्या दे रहा है, 44। तो मुझे इस वे में जाना ज्यादा पसंद है कि सबसे पहले मैं ऐसा बड़ा वाला कॉम्बिनेशन ढूंढ लेती हूँ जिनको ऐड करके मुझे 44 मिल जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, 41 प्लस 3 इज 44। तो मेरा आंसर क्या आ गया, आंसर मुझे मिल गया, दो ऑड नंबर्स मिल गए। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 44 इज इक्वल्स टू 41 प्लस 3, राइट? इसी तरीके से बाकी पार्ट भी हम सॉल्व करेंगे। 36 के लिए, ठीक है, 36 के लिए मैं क्या करूंगी, 36 इज इक्वल टू, जरा रफ में चेक कर लेते हैं इसको। 36 से जस्ट छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 36 से जस्ट छोटा प्राइम नंबर है 31, राइट? और 31 में मैं क्या ऐड करूं कि 36 मिल जाए, 5, ओके? 36 में मैंने 5 ऐड किया और मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया 36, राइट? तो 31 भी प्राइम है, ऑड है, और 5 भी प्राइम और ऑड है, तो इसलिए एक कॉम्बिनेशन मेरा ये बन जाएगा, राइट? तो 31 प्लस 5। नेक्स्ट सी पार्ट, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम ये करेंगे कि 24 जो नंबर है, 24 से जस्ट छोटा प्राइम कौन सा है, 23, राइट? 23 आ गया। अब इसमें क्या ऐड करूं कि 24 आ जाए, प्लस 1 किया, लेकिन प्लस 1 तो प्राइम नहीं है, इसलिए दूसरा कॉम्बिनेशन ढूंढना पड़ेगा। दूसरा कॉम्बिनेशन हम क्या ढूंढें, 23 से जस्ट छोटा प्राइम कौन सा है, 19, राइट? 19 है। अब 19 में मैं क्या ऐड करूं कि 24 आ जाए, 19 में मैं 5 ऐड करूंगी और मुझे 24 मिल जाएगा। अब ये दोनों नंबर्स कैसे हैं, ये प्राइम भी हैं और ऑड भी हैं, तो हमारा सॉल्यूशन मिल गया हमें। तो 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 19 और 5 के सम के फॉर्म में, राइट? इसी तरीके से 18 को सॉल्व करेंगे। 18 के लिए जस्ट छोटा नंबर कौन सा है, प्राइम? 18 के लिए जस्ट छोटा नंबर 17, और फिर उसमें 1 ऐड किया तो 18 मिला, लेकिन 1 तो प्राइम नहीं है, ओके? तो 17 से जस्ट छोटा कौन सा नंबर होता है प्राइम, 13, राइट? 13 मिला प्राइम, इसमें मैं क्या ऐड करूं कि 18 मिल जाएगा मुझे, 5, और 13 और 5 दोनों ही प्राइम नंबर्स भी हैं और ऑड नंबर्स भी हैं, राइट? सो इस तरीके से हम अपना 18 का सम लिख सकते हैं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 18 इज इक्वल्स टू 13 प्लस 5, राइट? तो ये इस तरीके से हम किसी भी गिवन नंबर को ऑड प्राइम्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 6। सो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, तब तक खुश रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।